महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी ने शिवसेना को निशाने पर लिया है। ऐसे में आने वाले समय में शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो सकते हैं। दरअसल अभी तक बीएमसी ने शिवसेना के बहकावे में आकर कंगना रनौत को रडार पर लिया हुआ था, लेकिन अब इस रडार पर बीएमसी ने सोनू सूद को भी ले लिया है, जिससे बीजेपी भड़क गई है। बता दें कि बीएमसी ने सोनू सूद पर एक 6 मंजिला इमारत को होटल में तब्दील करने का आरोप लगाया है और इस बाबत पुलिस में सोनू सूद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीएमसी का कहना है कि सोनू सूद ने बिना मंजूरी के ही होटल खोल लिया है, जिस पर सोनू सूद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनू सूद ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बीएमसी से यूजर चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस खबर के बाद से फैंस सोनू सूद के समर्थन में जमकर ट्वीट कर रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं, सोनू सूद के समर्थन में भाजपा प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने भी इसे शिवसेना का दांव बताया है। राम कदम के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों को उनके घर भेजने के बाद सोनू मसीहा बनकर उभरे थे और ये बात शिवसेना को नागवारा गुजरी। लॉकडाउन में सरकार नाकाम रही और सोनू सूद ने दुआओं का काम किया, इसलिए शिवसेना को ये खटक रहा है। हालांकि इस बात की सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि सोनू सूद को नोटिस जारी करने के पीछे शिवसेना का हाथ है, लेकिन इस आशंका को सोनू सूद के फैंस हकीकत मान बैठे हैं। हालांकि सोनू सूद ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके चलते बीएमसी ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दिया है, लेकिन इस सबके बीच सोनू सूद के फैंस आग बबूला होकर शिवसेना और बीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में शिवसेना भी जमकर ट्रोल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।